सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 CPSE बसंत पाठ 6 भगवान के डाकिए। ठीक है बच्चों, तो देखो भगवान के डाकिए, भगवान के डाकिए का मतलब क्या होता है, डाकिए का मतलब क्या होता है अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा है। डाकिए का मतलब क्या है, जो डाक अपने घर घर देके जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है उसको बोलते हैं पोस्ट, अपने घर पे खत चिट्ठी वगैरह देके जाता है वो होता है डाकिया। ठीक है बच्चों, तो पहले अपन चलते हैं कविता में कठिन शब्दार्थ के ऊपर। बच्चों देखो अपने शब्दार्थ में क्या है, पाँचना, पाँचना मतलब पढ़ना, आंकना, आंकना मतलब अनुमान करना, पाक, पाक का मतलब होता है पंख पर। ठीक है, सौरभ, सौरभ का मतलब है सुगंध, खुशबू। ठीक है बच्चों, तो देखो अपनी कविता है पाठ 6 भगवान के डाके। इसके कवि कौन है बच्चों, इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये अपने जो है रामधारी सिंह दिनकर, ये अपने दूसरे राष्ट्र कवि रहे हुए हैं। रामधारी दिनकर जो थे वो अपने दूसरे राष्ट्र कवि रहे हुए हैं। अब पहले राष्ट्र कवि अपने कौन थे, मैथिली शरण गुप्त। पहले जो राष्ट्र कवि थे वो कौन थे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों, तो अपन देखो अपन चलते हैं कविता के अंतर। पक्षी और पातल ये भगवान के डाकिए है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो पक्षी और पातल ये दोनों कौन है, पक्षी और पातल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और पातल कौन है, भगवान के डाकिए। पातल का विलोम क्या होता है, पातल का विलोम शब्द होता है वियोम। ठीक है, महादेश का मतलब क्या होता है, महादेश का मतलब होता है बड़े बड़े देश। ठीक है, आगे देखो चिट्ठियाँ, अपन पिछले पाठ में भी पढ़े हैं चिट्ठियों का मतलब क्या होता है, संदेश, जो एक देश से दूसरे देश अपन पहुँचाते हैं उनको बोलते हैं चिट्ठियाँ, संदेश। ठीक है, फिर पाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं, पाँचना का मतलब पढ़ते हैं, पहाड़ का मतलब पर्वत, पानी का मतलब नदियाँ। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है यहाँ अपने को कवि, कि हम जो है वो क्या करते हैं, कवि अपने को यहाँ क्या कहना चाह रहा है, कवि अपने को ये बताना चाहता है कि ये कौन है भगवान के डाके, कौन, पक्षी और पातल जो है वो भगवान के डाके हैं, ये हम तक क्या करते हैं, ईश्वर का संदेश जो है वो पहुँचाते हैं। लेकिन जो ईश्वर का संदेश ये लेके आते हैं वो क्या करते हैं, हम इनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। हम क्या हैं, इनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनके संदेश को कौन समझता है, इनके संदेश को पक्षी और बादल, पहाड़, ये सब जो है इनके संदेश को पढ़ते हैं, पाँचते हैं, समझते हैं। जो नदियाँ सूख जाती है, जो पहाड़ सूख जाते हैं, जो पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं गर्मी की वजह से, ये सारे जो कारण हैं उन पर कौन, बादल बनकर साता कौन करता है, बरसात का जो बादल होते हैं वो कटाएँ उमड़ उमड़ के आती है और अपनी वर्षा करती है और इनके ऊपर सत्री बनकर रहती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ईश्वर के भेजे हुए डाकिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या था अपना, इन पांच से लाइनों का बहाव था। अब अपन क्या करते हैं, इनका भावार्थ देखो, इनको लिखने का तरीका देखो कि अपन इनको कैसे लिखेंगे। पक्षी और पातल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। इसका भावार्थ अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, इसका भावार्थ अपन लिखेंगे भगवान के जो डाकिए हैं, कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने को क्या कहना चाहते हैं, भगवान के जो डाकिए हैं पक्षी और पातल, वो जब कोई भी संदेश हमारे तक लेके आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े एक देश से दूसरे देश में जो है इनको पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे बच्चों क्या होता है, पक्षी उठ के कहीं भी जा सकते हैं, पता है आपको, बादल उमड़ उमड़ के कहीं भी जा सकते हैं, तो ये पक्षी और बादल जो है क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाके इनका संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इनके संदेश को अपन लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कौन समझता है, इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। यहाँ कभी क्या कहते हैं, पानी का मतलब नदियाँ, पहाड़ का मतलब पर्वत, पहुँचने का मतलब पढ़ना। तो यहाँ का भी क्या कह रहा है कि इनकी जो ये भाषा है, इनकी जो संदेश है, इनकी जो चिट्ठियाँ हैं वो क्या होता है,
कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है वो पढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे की लाइन देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है, सॉरी पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, यहाँ अपने को तिनकर्ची क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ अपने को तिनकर्ची ये समझाना चाह रहे हैं, आंकने का मतलब होता है अनुमान लगाना, आंकने का मतलब क्या है अनुमान लगाना, हम का मतलब यहाँ कवि अपने को क्या कह रहा है मनुष्य, हम का मतलब यह क्या है मनुष्य, तो हम जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं केवल अनुमान लगाते हैं। कवि अपने को क्या कह रहा है, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश को क्या करती है सुगंध भेजती है और एक देश का जो पानी है वो दूसरे देश में भाप बनकर गिरता है, ऐसा कवि का अपना मानना। हम मनुष्य देश को अपनी सीमाओं से जानते हैं, क्या है कभी क्या कह रहा है कि हम जो लोग जैसे अपने देश से बड़े बड़े महानगर है उनको अपन कैसे जानते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा तक जानते हैं, लेकिन जो प्रकृति है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कभी क्या कह रहा है कि प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती है और वो क्या करती है जो सुगंध है वो सुगंध जो है बंधन में बंधी हुई नहीं होती है। ठीक है, जो सुगंध या खुशबू जो है वो किसी को नहीं मानती है, वो कोई बंधन में बंधी हुई नहीं रहती है, वो क्या करती है उड़ती उड़ के एक देश से दूसरे देश में चली जाती है और वो जो है अपनी महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर उधर उड़ती रहती है। पंखों का मतलब क्या है पंखों, ठीक है पंखों का मतलब है पंखों, सौरभ का मतलब है सुगंध। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जो सुगंध है वो क्या है पक्षियों के पंखों पर उड़ती उड़ती उनके पंखों पर बैठती है और एक देश से दूसरे देश में जो है फैलती रहती है गिरती रहती है। ये तो इसका था भाव, इसका भावार्थ देखो बच्चों अपन कैसे लिखेंगे, इसका भावार्थ लिखने का तरीका देखो, यहाँ अपने को दिनकर जी क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं कि धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं और जो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं तो क्या होता है कि अपन तो उन सीमाओं से उसको पहचानते हैं जानते हैं लेकिन प्रकृति की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए वो क्या है कि एक देश की धरती को अपनी दूसरे देश में सुगंध पहुंचाने का काम करती है। सुगंध सौरभ का मतलब क्या है सुगंध, जैसे मान लो अपन ने किसी चीज़ का बगीचा लगा लिया, मोगरे का लगा लिया या गुलाब का लगा लिया, तो देखो बच्चों उस जब उसको पेड़ होंगे बड़े होंगे फूल लगेंगे तो उनको अपन जो खुशबू भी लेगी उसको अपन बांध के नहीं रख सकते हैं, वो खुशबू है वो अपने आप चारों तरफ फैल जाएगी। तो यहाँ भी कभी क्या कह रहा है कि वो जो सुगंध है वो क्या करती है एक देश से दूसरे देश में अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो फैलती है, वो किसी के बंधन में बंध के नहीं रहती है बल्कि चारों तरफ फैल जाती है। और इस प्रकार जो बादल है वो क्या करते हैं जब गर्मी का मौसम आता है तो भाप बनती है और भाप बन के बादलों का पानी जो है एक देश से दूसरे देश में गिरता है। इस प्रकार जो है दिनकर जी अपने को क्या समझा रहे हैं कि इस प्रकार जो है सुगंध और पानी जो है किसी बंधन में बंधे हुए नहीं है, वो एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। तो ये अपनी बेटा छोटी सी कविता थी जो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे वाले सातवें लेसन में, क्योंकि अपने को कोरोना काल में जल्दी से अपना एक बार सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद में अपन रिवीजन के साथ साथ क्या करेंगे आराम से प्रश्नोत्तर करेंगे और एक बार रिवीजन और करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।